Guys, welcome back to my channel, The Blush Girl. I am Riya. So guys, in this today's video, I have created this beautiful makeup look. So guys, you can say this makeup look is party makeup look. किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में, कहीं भी आप इसको ट्राई कर सकते हो गाइज, बहुत ही अच्छा दिखेगा एंड सब आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे. सो बहुत ही इजीली मैंने ये लुक क्रिएट करने का ट्राई किया है. एंड ये जो आउटफिट है, ये आउटफिट मिंत्रा से लिया है मैंने. सो इसकी भी परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोगों को, सो आप चेकआउट करना. बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट है ये. सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. गाइज, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है. अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो कोई भी पैसे नहीं भरने पड़ते, फ्री है. सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन है ना, उस पर भी क्लिक कीजिए, सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड द वीडियो. सो गाइज, मैंने लुक कैसे क्रिएट किया देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, सबसे पहले मैं लगाने जा रही हूँ सीरम, और ये है NYB का फेस सीरम, जो एक वाटर बेस्ड सीरम है. इसको लगा के मैं फेस में अच्छे से ब्लेंड करूँगी, सो दैट ये हमारे स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर देगा. अभी मॉइस्चराइज करने के लिए मैं ये आर्ट्स गुडनेस का डे क्रीम यूज़ कर रही हूँ. सो ये मेरा मोस्ट फेवरेट डे क्रीम है. सो इसको लगा के भी मैं स्किन में अच्छे से ब्लेंड करूँगी. सो अभी मैं लगाने जा रही हूँ प्राइमर, और ये है स्मैश बॉक्स का मिनिमाइजिंग पोर प्राइमर. सो गाइस, ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, आप ज़रूर ट्राई करना. ये पोर्स को बहुत इजीली फिल कर देता है एंड हमारे जो पोर्स है उनको मिनिमाइज करता है, सो दैट हमारा फाउंडेशन इजीली स्किन में ब्लेंड हो जाता है. सो मैंने इसको लगा के अच्छे से ब्लेंड किया है. एंड फाउंडेशन के लिए मैं ये फेसेस कनाडा का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. सो ये एक वेटलेस फाउंडेशन है एंड इसका फॉर्मूला बहुत ही क्रीमी है गाइस, बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है एंड ब्लेंड भी बहुत इजीली हो जाता है. इसका डिटेल में वीडियो में जल्दी डालने वाली हूँ मेरे चैनल पर, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, सो दैट जब मैं डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. अभी डैम्प स्पॉन्ज की हेल्प से मैं अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी. एंड मालियो का आइब्रोमेट लिया है मैंने ये, एंड इसको एक ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई करूँगी. एक एक स्ट्रैंड लगा के मैं कुछ इस तरह आईब्रोज को फिलिंग कर दूँगी. एंड या थोड़े से ब्राइटन फिल किए हैं मैंने. अभी हाईलाइट करने के लिए एंड आईलिड को प्राइम करने के लिए एंड आईब्रोज को क्लीन करने के लिए मैंने मेकअप एंड मोर का कंसीलर पैलेट लिया है, और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं कुछ इस तरह आईलिड को प्राइम करूँगी. एंड सेम कंसीलर से ही मैं मेरे हाईलाइट पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी. अभी आप देखोगे. सो आईब्रोज को मैंने क्लीन कर लिया है कुछ इस तरह, सो दैट आईब्रोज का शेप है ना बहुत ही अच्छा और नेचुरल दिखता है. सो कुछ इस तरह मैंने नोज को भी लगाया, ब्रिज ऑफ द नोज एंड अंडर आइज को भी लगाया है. सो इसका क्रीमी फॉर्मूला है तो बहुत इजीली ब्लेंड भी हो जाता है. सो एक स्पॉन्ज की हेल्प से मैं ब्लेंड करूँगी, सो दैट स्पॉन्ज है ना एक्सेस को भी अब्जॉर्ब कर देगा. सो कुछ इस तरह बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे, सो दैट ये हार्श नहीं दिखेगा एंड बहुत ही नेचुरल सा दिखेगा. सो अभी इसको सेट करने के लिए मैंने लिए है लूज पाउडर, और इस लूज पाउडर को मैंने लिया है ब्रश एंड कुछ इस तरह अप्लाई करूँगी मैं. बेकिंग नहीं करनी है, जस्ट थोड़ी सी लेकर अप्लाई करके फिर डस्ट आउट करनी है, सो दैट हमने जो कंसीलर लगाया था वो लॉक हो जाएगा हमारे स्किन में. एंड अभी थोड़ी थोड़ी लेके मैं बहुत अच्छे से डस्ट करूँगी एंड मेरे फाउंडेशन को भी सेट करूँगी. सो ये वाला फाउंडेशन मैटिफाइंग फाउंडेशन है, सो इसको सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट स्टिल हमारा मेकअप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होने के लिए मैं कुछ इस तरह सेट कर रही हूँ. अभी ना मैंने न्यू गर्ल का पैलेट लिया है, सो इसमें एक कुछ इस तरह की वाइट शिमर शेड है, इसको लेके मैं आई लिड को लगाऊंगी. सो एक ऑप्शनल है, बट आई लिड थोड़े से डिफाइन लगने के लिए मैंने इसको यूज किया. अभी ये वाव का एक VOV की ये ब्लू आईलाइनर है, ब्लू काजल पेंसिल है. आप कौन सी भी कंपनी की काजल पेंसिल ले सकते हो, लाइक पर्पल की भी काजल पेंसिल आती है ब्लू इन कलर में, आप वो भी ले सकते हो, या फिर अपने आउटफिट का जो भी कलर है वो आप ले सकते हो. तो कुछ इस तरह लोअर लैश लाइन पर लगाना होता है, तो मैंने कुछ इस तरह लगा लिया है.
एंड अभी इसको सेट करने के लिए जैकलिन हिल का पैलेट है। इसमें ना सेम शेड की सेम कलर की ये शेड है। सो इसका लेके मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी सो दैट जो काजल हमने लगाई थी वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। सो या कुछ इस तरह मैंने ब्लेंड किया है, अच्छे से सेट किया है। एंड ऑल्सो गाइज, ऐसा करने से हमें एक अच्छा सा स्मोकी इफेक्ट मिलता है। अभी स्टे कोर्की की काजल मैंने लोअर लैश लाइन को लाइक लोअर वाटर लाइन पर लगाई है एंड मस्कारा का बहुत अच्छा सा कोट लगाना सो हमारे आईज बहुत ही अच्छे दिखेंगे। सो या अभी मैंने ये ब्रॉन्जिंग करने के लिए SFR कलर का पैलेट लिया है एंड उसमें से एक कॉफ़ी शेड लिए है मैंने एंड इससे मैं ब्रॉन्जिंग करूँगी मेरे चिक्स को एंड नोज़ को भी सो दैट नोज़ थोड़ा शार्प दिखे। सो कुछ इस तरह मैं ब्रॉन्जिंग करूँगी एंड अभी मैंने सेम ब्राउन शेड ली है एंड थोड़ा सा क्रीज पर भी अप्लाई करूँगी मैं क्योंकि क्रीज थोड़ी डिफाइन लगे। अभी ये मैंने पीच कलर की लिपस्टिक ली है एंड इसको मैं ऐसे ब्रश यूज़ करूँगी एंड ब्लेंड करूँगी। अभी सेम न्यूगल का पैलेट जो हमने आईलिड पर लगाया था उनमें से ये गोल्डन शिमर शेड ली है, इसको मैं ऐसे हाईलाइटर लगाऊंगी एंड लैक्मी फॉर एवर मैट वाली ये लिपस्टिक है एंड शेड है न्यू ट्विस्ट करके। सो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो इसका अप्लाई मैंने किया है एंड मैंने पहनी है ये झुमकी एंड आई हैव फिनिश्ड दिस लुक। सो गाइज ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक। आई होप सो गाइज आपको लुक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो एक बहुत ही सिंपल सा लुक क्रिएट करने का मैंने ट्राई किया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। एंड ये कुर्ती आप देख सकते हो मिंत्रा से ली है मैंने। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।